हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जमजम पानी क्या होता है। सो गाइस, इससे पहले हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था जिसका टाइटल था टॉप 20 फैक्ट्स अबाउट मस्जिद नबवी। उसमें हमने जमजम पानी के बारे में सुना था कि वो उनको दिया जाता है लोगों को। सो हम बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं कि आपके भी कमेंट्स आए थे कि जमजम पानी पे आप रिएक्शन करो, और साथ में हम भी जानना चाहते हैं कि मतलब जमजम पानी कहाँ से आता है, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए, वहाँ पे जैसे लाइक लोगों के लिए लेके आते हैं। तो मतलब देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जमीन का 70% हिस्सा पानी है, हमारे शरीर का 70% हिस्सा भी पानी है, लेकिन सभी पानी एक जैसे नहीं होते हैं। उस पानी के बारे में तसव्वुर कीजिए जिसके बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहे जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी आबे जमजम है। दोस्तों, इस हदीस की हकीकत आपको आगे वीडियो में पता चलेगी कि क्या वाकई में आबे जमजम दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। आबे जमजम का किस्सा आप सभी को बखूबी मालूम है। मुख्तसर ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी हजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बियाबान जगह पर छोड़ दिया था जहां न खाना था न पानी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमीन पर एड़ी रगड़ने से पानी का एक ऐसा चश्मा फूटा जिसे आज हम जमजम कहते हैं। जमजम का मतलब होता है ठहरना। जमजम का कुआं पानी के दिगर कुएं से काफी अलग है। जमजम के कुएं में पानी कहां से आता है, इसकी तहकीक एक सऊदी माहिरीन ने की जो जमजम पानी के माहिर हैं, जिनका नाम डॉक्टर यहया है। डॉक्टर यहया बताते हैं कि जमजम के कुएं में पानी मक्का की पहाड़ियों में बनी दरारों से बहता हुआ आता है। पहाड़ियों में यह दरारें तब बनी थी जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से पानी निकालने के लिए अपना पर जमीन पर दे मारा था, जिसकी वजह से मक्का की पहाड़ियों में इस कदर महीन दरारें पड़ गई थी कि आज के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। आबे जमजम पूरी दुनिया में क्यों सबसे बेहतरीन और अलग किस्म का पानी है, यह एक जापानी वैज्ञानिक ने साबित करके दिखा दिया है। इस जापानी वैज्ञानिक का नाम मिसारो मोतो है। मिसारो मोतो दुनिया भर के अलग अलग किस्म के पानी पर रिसर्च करते हैं। यह जापान के मशहूर वैज्ञानिक है और हार्डो नामी एक इल्मी तहकीक मरकज के मैनेजर है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन नजरिए के भी बानी है। डॉक्टर यहया की जब इस जापानी वैज्ञानिक से मुलाकात हुई तो इन्होंने मिसारो मोतो को आबे जमजम के बारे में बताया और कहा कि आप इस पानी पर भी तहकीक करें। जब मिसारो मोतो ने जमजम पानी पर तहकीक करना शुरू किया तो वो इस कदर हैरान और परेशान हो गए और बोल पड़े कि ये कैसा पानी है, इस पानी की खुसूसियात हर तरह के पानी से अलग है। मिसारो मोतो ने आबे जमजम पर रिसर्च करके बताया कि खालिस आबे जमजम पानी के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता। जमजम पानी इतना ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को दिगर पानी के हजार बूंदों में मिलाना पड़ता है, तब जाकर जमजम पानी को माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही मिसारो मोतो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि जब जमजम पानी की सिर्फ एक बूंद को दिगर पानी के हजार बूंदों में मिलाया जाता है तो इन हजार बूंदों में भी वही खुसूसियात पैदा हो जाती है जो आबे जमजम में होती है। सामान्य पानी के क्रिस्टल जब बनते हैं तो हर एक क्रिस्टल की बनावट अलग अलग होती है, मगर जब मिसारो मोतो ने जमजम पानी के क्रिस्टल बनाए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि जमजम पानी का हर एक क्रिस्टल एक जैसा और दिगर पानी के क्रिस्टल से ज्यादा खूबसूरत बनता है। जब मिसारो मोतो को बताया गया कि मुसलमान आबे जमजम पर बिस्मिल्लाह और कुरानी आयत पढ़कर पीते हैं तो मिसारो मोतो ने इस पर भी तहकीक करनी शुरू कर दी। इस बार वो फिर से हैरत में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। उन्होंने पाया कि जब जमजम पानी पर बिस्मिल्लाह या कुरान पढ़ा जाता है तो जमजम पानी के क्रिस्टल बदलने लगते हैं और इस पानी की खुसूसियात और ज्यादा बढ़ जाती है।
दुनिया का हर मुसलमान आबे जमजम को दुनिया के हर पानी से बेहतरीन मानता है। हम मुसलमानों को जमजम पानी को सबसे बेहतरीन पानी मानने के लिए किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है, पर मिसारो मोतो की यह तहकीक उन गैर मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो इस्लाम को शक की नजरों से देखते हैं। आबे जमजम दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता, ना ही इसमें कभी कीड़े या कोई बीमारी फैलाने वाले जानवर पैदा होते हैं। आमतौर पर पानी के हर कुएं में काई का जमना सामान्य बात है, मगर जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। आबे जमजम ऐसा करिश्माई पानी है जो इसे पीने वाले को ताकत प्रदान करता है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम पानी के बारे में फरमाया था कि जमजम भूखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए शिफा है। अमेरिका में दवाइयों के शोबे में एक उस्ताद थे जिनके दो बेटे थे। एक दिन एक बेटा जबरदस्त हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में शरीर का एक चौथाई हिस्सा खराब हो गया। लाखों रुपए खर्च किए मगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो उस्ताद बताते हैं कि मेरी एक मुस्लिम दोस्त से मुलाकात हुई जिसने मुझे कहा कि बेटे को जमजम पिलाओ, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया और कुछ ही अरसों बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। वो उस्ताद कहते हैं कि कैसे पानी के चंद कतरे मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। उन्हें इसी चीज ने इस्लाम की तरफ खींचा और आज वो और उनका सारा खानदान मुसलमान बन चुका है। जरा देखो अल्लाह ने कैसे पानी के चंद कतरों के जरिए उसकी जान बचा ली। जमजम कुएं की गहराई तकरीबन 30 मीटर है जिसमें 13 मीटर या कुछ कम उस जगह की मिट्टी या गारा वगैरह है जिसे अब पक्का कर दिया गया है। जर्मनी में एक मशहूर पहाड़ है जिसका नाम एल्प्स है। यह पहाड़ फ्रांस तक फैला हुआ है। फ्रांस की ओर इस पहाड़ पर पानी का एक ऐसा चश्मा निकलता है जिसे दुनिया का सबसे साफ पानी माना जाता है जिसका नाम अवियान है। यह पानी बाइकार्बोनेट से भरपूर है। अवियान के 1 लीटर पानी में 357 मिलीलीटर बाइकार्बोनेट पाया जाता है, मगर जब आबे जमजम पर तहकीक हुई तो पाया गया कि जमजम के 1 लीटर पानी में 366 मिलीलीटर बाइकार्बोनेट पाया जाता है। लिहाजा आज साइंसी एतबार से दुनिया का सबसे साफ पानी आबे जमजम है। इसलिए आज मैं कहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल सच्चा है कि रूहे जमीन पर मौजूदा पानियों में से सबसे पाक और साफ पानी जमजम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, हमें पहले लग रहा था कि जमजम एक मतलब रिवर होगा, देन उसका पानी होगा, जैसे हमारे यहाँ पे गंगा का है, तो हमें ऐसा ही लग रहा था। बट बाद में हमें स्टोरी पता चली कि अब हमें पता चला है कि वो एक कुआ है, कुएं से वो पानी आता है, एंड देन मतलब like, उसकी भी पूरी स्टोरी है कि कैसे क्या होता है। और ये भी देखा कि जब वो उन्होंने एक साइंटिस्ट है जापान के, उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें बहुत सारे ऐसी चौंकाने वाली चीजें मिली कि जैसे वो पानी में कभी कुछ कीड़े नहीं लगते, मतलब वो पानी खराब नहीं होगा जब तक, मतलब कब तक भी आप स्टोर कर सकते हो उसमें, ऐसा कुछ खराब नहीं होगा। और लाइक उन्होंने जैसे बताया कि एक उनके मतलब फ्रेंड थे वो बीमार थे, तो जो भी उन्होंने बोला जमजम पीने के लिए तो दो साल के बाद वो ठीक हो गए। मतलब लाइक कितना शॉकिंग टाइप का है, और बहुत मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत हमें जानने के लिए भी मिला। जैसे लाइक हिंदू रिलीजन में गंगा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वैसे ही मुस्लिम्स में आबे जमजम है उनको तो देते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें पता चल गया है अब धीरे धीरे, और बहुत सारी चीजें तो हम जान चुके हैं। अब तो बहुत कुछ पता चल गया है, बट हमें धीरे धीरे और भी सारी बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है अब हम धीरे धीरे करके जान रहे हैं। और हमें भी सच बताएं बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा यू नो हमें भी अच्छा लग रहा है जान के दूसरी चीजों के बारे में। सो गाइज, आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।